दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है द सिग्नल। आपने कई सारी साइंस फिक्शन मूवीज देखी होंगी, लेकिन आज की ये मूवी उन सबसे अलग है। अगर बात की जाए टॉप 10 साईफाई मूवी ऑफ ऑल टाइम की, तो ये मूवी हमेशा टॉप 10 में शुमार की जाएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें तीन दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि MIT यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं। इन तीनों का नाम निक, जोना और हैली होता है। निक किसी वजह से हैंडीकैप्ड होता है तो वो चल भी नहीं पाता है, वो सिर्फ वैसाकी के सहारे ही चलता फिरता है। निक की गर्लफ्रेंड होती है हेली, जो कि अब कैलिफोर्निया शिफ्ट हो रही है। तो ये तीनों दोस्त एक लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं, जहाँ रात को एक होटल में रुकते हैं कि तभी इन्हें एक नोबेड नाम के शख्स से एक मैसेज आता है जो कि एक हैकर होता है, और हाल ही में उसने MIT यूनिवर्सिटी के सर्वर्स को हैक किया था, जिसमें हैकिंग का सारा इल्जाम इन तीनों के ऊपर आ गया था और ये तीनों यूनिवर्सिटी से बाहर होते होते बचे थे। नोमैड इन तीनों को इरिटेट कर रहा होता है, यहाँ तक कि नोमैड नाम का वो हैकर हैली के लैपटॉप को हैक कर उसमें इनकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। नोमैड नाम का वो शख्स इन्हें उकसाने लगता है कि वो कभी भी उसे नहीं पकड़ सकते। ये तीनों नोमैड से पहले ही गुस्सा होते हैं और ये ठान लेते हैं कि ये नोमैड का IP एड्रेस पता करेंगे और फिर वहाँ जाकर उसकी अच्छे से धुलाई करेंगे। बाद में ये तीनों नोमैड के IP एड्रेस को ट्रेस कर लेते हैं, जिससे इन्हें पता लग जाता है कि नोमैड नाम का वो शख्स नवादा में रहता है। तो अब ये काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अब वो उसकी अच्छे से धुलाई कर सकते हैं। तो ये तीनों अगले दिन उस लोकेशन के लिए निकल जाते हैं, लेकिन अब निक चाहता है कि वो नोमैड को पकड़ने फालतू ही जा रहे हैं, क्योंकि इससे उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। और उसकी गर्लफ्रेंड हैली अब कैलिफोर्निया शिफ्ट हो रही है, तो निक उसके साथ वक्त बिताना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ निक कहीं ना कहीं अब ना चाहकर भी हैली से दूर होना चाहता है, क्योंकि वो एक हैंडीकैप्ड है और कोई लड़की भला कैसे एक हैंडीकैप्ड के साथ जीवन बिता सकती है। लेकिन निक हमेशा से अपाहिज नहीं था, बल्कि वो एक नॉर्मल इंसान था। लेकिन अचानक से उसे मस्कुलर डायस्ट्रॉफी नाम की एक बीमारी हुई, जिससे उसकी पैर की मसल्स ने काम करना बंद कर दिया और वो अब चलने फिरने के लिए भी बैसाखी का इस्तेमाल करता है। हालांकि वो हैली को सच्चा प्यार करता है, लेकिन वो हैली को भी खुश देखना चाहता है, इसीलिए वो बहुत समय से हैली से दूरियां बना रहा है। हैली यहाँ पर उससे पूछती भी है कि वो बहुत समय से उससे दूर जा रहा है, तो क्या वो उससे ब्रेकअप करना चाहता है। तो इस पे निक उसे बताता है कि वो एक अपाहिज है और वो उसके साथ कभी भी खुश नहीं रहेगी। हैली को उससे कई बेहतर इंसान मिल सकता है जिसके साथ वो खुश रह सकती है, तो वो उसकी उन खुशियों को नहीं छीनना चाहता है। निक के मुंह से ऐसा सुनने के बाद हैली अपना वो नेकलेस तोड़ देती है जो कि निक ने उसे दिया था। यहाँ पे निक को ना चाहते हुए भी उसे जोना और हैली के साथ नवाडा जाना पड़ता है। रात को जब ये नोमैड की लोकेशन पे पहुँचते हैं, तो ये पाते हैं कि वो काफी पुराना घर है जो कि बिल्कुल सुनसान एरिया में है। तो जोना और निक उस घर में जाते हैं, तो वही हैली कार में ही रहती है। जब ये उस घर में छानबीन करते हैं तो वो पाते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। तभी बाहर से हैली के चिल्लाने की आवाज आती है, और जब ये बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि कार के सारे दरवाजे खुले हुए हैं और हैली को कोई अजीब सी चीज हवा में ऊपर उड़ाकर ले जा रही है। और जब ये दोनों हैली का पीछा करते हैं तो इनकी आंखों पे एक तेज रोशनी चमकती है, जिससे ये दोनों वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। और जब निक की आंख खुलती है तो वो खुद को एक स्ट्रेंज फैसिलिटी में पाता है, जहाँ पे वो एक व्हील चेयर में होता है और आसपास के सारे स्टाफ्स ने क्वारंटाइन सूट पहने हुए हैं। यहाँ पे निक की मुलाकात डैमन नाम के एक इंसान से होती है जो कि एक क्वारंटाइन सूट पहने हुए है। डैमन निक से पूछताछ करता है और निक को बताता है कि रिसेंटली जो नोमैड का मैसेज उन्हें प्राप्त हुआ था वो किसी हैकर या इंसान का नहीं था, बल्कि वो मैसेज एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल लाइफ यानी कि एक एलियन का था। तो डैमन पूछता है कि आखिर एलियंस ने उन्हें ही मैसेज क्यों किया। निक जो कि अभी पूरी तरह सदमे में होता है और उसे कुछ भी नहीं पता होता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, तो वो डैमन की बातों को मजाक में लेता है और उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। वो बस डैमन को पूछ रहा होता है कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। यहाँ पे डैमन निक को बताता है कि उन्होंने उस एलियन को देखा और वो तीनों के तीनों इन्फेक्टेड हो चुके हैं, इसीलिए वो इस रिसर्च फैसिलिटी में क्वारंटाइन रखे हुए हैं। तभी निक के नाक से खून निकलने लगता है और डैमन उसे एक दूसरे कमरे में भेज देता है। निक अभी अपने कमरे में अकेले होता है तो वो महसूस करता है कि उसके पैर पहले कमजोर महसूस होते थे, लेकिन वो बैसाखी के सहारे चल फिर सकता था। लेकिन अब उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके दोनों पैर बिल्कुल सुन पड़ चुके हैं। खैर, वो अपने पैर नहीं देख पाता क्योंकि यहाँ के स्टाफ ने उसे एक पेशेंट के कपड़े पहनाए हुए होते हैं। साथ ही वो अपने हाथ में एक नंबर 23541 का एक टैटू देखता है जो कि पहले नहीं था। यहाँ पे निक के हाथ में बना ये नंबर का टैटू आप ध्यान में रखिये, ये हमारे आगे काम आएगा। निक जिस रूम में होता है वो एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड कमरा होता है,
तो निक सोचता है कि अगर उसने किसी तरह से पासवर्ड को पता कर लिया तो वो यहाँ से भाग सकता है। आगे फिर से क्वारंटाइन सूट पहना एक शख्स निक को यहाँ से एक दूसरे कमरे में ले जाने लगता है, तो निक बीच रास्ते में बड़े गौर से चीजों को देख रहा होता है कि तभी वो एक कमरे में हैली को देख लेता है जो कि बेड पे बेहोश होती है। वो हैली से मिलना चाहता है लेकिन क्वारंटाइन सूट पहना वो शख्स उसे ऐसा नहीं करने देता और फिर आगे जाकर एक कमरे में डायमंड उससे पूछताछ करने लगता है। यहाँ पे निक डायमंड से कहता है कि वो एक बार हैली से मिलना चाहता है, तभी वो उसके सवालों का सही से जवाब देगा। लेकिन डायमंड उसे मना करता है और उसे बताता है कि हैली अभी किसी से भी बात नहीं कर सकती क्योंकि वो अभी कोमा में है। निक ये सुन परेशान हो जाता है और फिर से डायमंड उसे अजीब से सवाल पूछने लगता है, जैसे कि क्या उसके पास 10 उंगलियां हैं और क्या वो इसी पृथ्वी से बिलोंग करता है या फिर वो किसी दूसरे प्लेनेट से यहाँ पे आया हुआ है। निक यहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि आखिर डायमंड इतने आसान क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। बाद में डायमंड उसके ही कैमरे की एक रिकॉर्डेड वीडियो उसे दिखाता है जो कि तब की होती है जब वो नोमेड की लोकेशन पे गए थे, जिसमें पेड़ के पीछे वो एक अजीब सी एंटिटी को देखते हैं जिसे डायमंड एलियन कह रहा होता है। पूछताछ होने के बाद डायमंड फिर से निक को एक कमरे में भेज देता है और अब जब निक अकेले अपने कमरे में होता है तो उसे जोना की आवाज सुनाई पड़ती है जो कि उसे बताता है कि वो भी ऐसे ही किसी कमरे में है और वो कुछ भी ठीक महसूस नहीं कर रहा है और डायमंड उससे भी फालतू के क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन फिर अचानक से जोना की आवाज आनी बंद हो जाती है और फिर हमें निक को डायमंड के पास दिखाया जाता है और इस बार निक को टेबल पर रखे चीजों का शेप और कलर बताना होता है। निक अब डायमंड के क्वेश्चन से इरिटेट हो जाता है और वो गुस्से में सबका शेप और कलर बताने के बाद डायमंड से कहता है कि अब उसे किसी भी हाल में हैली से मिलना है। तो फिर डायमंड उसे हैली के रूम के बाहर ले जाता है और बाहर से ही हैली को देखने के लिए कहता है। डायमंड उसे कहता है कि जब हैली कोमा से बाहर आ जाएगी तो वो उसे हैली से मिलवा देगा। रात को निक जोना के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता है और जोना को बताता है कि वो यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन जोना उसे कहता है कि अभी वो बिल्कुल भी भागने की हालत में नहीं है। यहाँ का स्टाफ उसे पीने के लिए कुछ दे रहा है और वो अपने हाथों को महसूस भी नहीं कर पा रहा है, तो वहीं निक भी उसे बताता है कि वो भी अपने पैरों को महसूस नहीं कर पा रहा है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि डायमंड और उसके साथ ही एक गाय पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं कि तभी एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ गड़बड़ी हो जाती है और स्टाफ एक्सपेरिमेंट रूम की तरफ भागने लगता है, तो इस बीच निक को भागने का मौका मिल जाता है, तो निक जल्दी से वॉशरूम में छिपने के लिए जाता है लेकिन तुरंत पकड़ा जाता है। अब फिर से निक को डायमंड के पास ले जाया जा रहा होता है तो वो बीच रास्ते में कुछ अजीब से निशान दीवार पर नोटिस करता है और जब डायमंड उससे पूछताछ कर रहा होता है तो निक उसे उन निशानों के बारे में पूछता है। डायमंड उसे इस बार अपने हाथ ऊपर करने के लिए कहता है और जब निक ऐसा करता है तो डायमंड उससे पूछता है कि क्या वो अभी भी अपने पैरों को महसूस नहीं कर पा रहा है, लेकिन निक उसके सवाल का जवाब नहीं देता है और अपने दोस्त जोना के बारे में उसे पूछता है। तो फिर यहाँ पे डायमंड बताता है कि उनकी पूरी फैसिलिटी में जोना नाम का कोई भी शख्स नहीं है। रात को जब निक अपने कमरे में होता है तो वो जोना से बात करने की कोशिश करता है लेकिन इस बार जोना की तरफ से कोई भी आवाज नहीं आती, तो इसके बाद निक पूरी फैसिलिटी का मैप अपनी बेडशीट पे बनाना शुरू कर देता है और कई दिन की ऑब्जर्वेशन से उसे अब पासवर्ड सहित लगभग पूरे फैसिलिटी का मैप पता हो जाता है। अब जब अगले दिन डायमंड और उसके साथी निक के कमरे में जाते हैं तो पाते हैं कि निक तो वहां पर है ही नहीं, तो ये काफी घबरा जाते हैं और डायमंड देखता है कि निक ने अपनी बेडशीट पे उस फैसिलिटी का मैप बनाया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हमें निक को दिखाया जाता है जो कि अपनी व्हील चेयर पर हैली के बेड को बांध देता है और यहाँ से बाहर के लिए भागने लगता है, लेकिन एग्जिट डोर के पास वो खड़े होकर पासवर्ड नहीं डाल पाता है और डायमंड के लोग उसे वहीं पर पकड़ लेते हैं। रात में निक को वो सब पल याद आते हैं जब वो सही से अपने पैरों पे चल पाता था, उसे हैली के साथ बिताए पल भी याद आते हैं और वो पल भी जब वो अपने पैरों पे बहुत तेज दौड़ लगाता था। अब जब सुबह होती है और जब निक की आंख खुलती है तो वो अपने बेड के सामने हैली को देखता है जो कि अब कोमा से बाहर आ चुकी है। वो हैली की तरफ हाथ बढ़ाता है तो तभी यहाँ के वर्कर्स उसे ऐसा नहीं करने देते और छीना झपटी में निक अपने बेड से नीचे गिर जाता है और जब वो अपने पैरों से ब्लैंकेट को हटाता है तो अब वो देखता है कि उसके दोनों पैर काट दिए गए हैं और उनकी जगह प्रोस्थेटिक आर्टिफिशियल लेग्स लगा दिए गए हैं। निक ये देख काफी घबरा जाता है और वो जोर जोर से डायमंड को पुकारने लगता है कि उसने उसके पैर को क्यों काटा। वही डायमंड और उसके असिस्टेंट वन वे मिरर से निक को देख रहे होते हैं। निक अपने आर्टिफिशियल लेग्स पे खड़े होने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और फिर जाके वो अपने पैरों को ढक लेता है, लेकिन कुछ देर बाद वो अपने आर्टिफिशियल लेग्स पे खड़ा होना सीख जाता है और दरवाजा तोड़कर यहाँ से हैली को ले जाने लगता है। वो यहाँ के स्टाफ को घायल कर आगे के लिए निकलता है लेकिन फिर से आगे निक को डायमंड मिल जाता है
जो कि उसे बताता है कि अगर वो यहाँ से बाहर गया तो बाहर वो उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन निक डेमन की बात को अनसुना कर हैली को लेके यहाँ से एक टनल के रास्ते बाहर निकल जाता है। आगे ये दोनों एक बूढ़ी औरत से लिफ्ट मांगते हैं और जब ये उसकी कार में बैठे होते हैं तो अभी ने पता लगता है कि वो औरत एक साइको है जो कि अजीब तरह से बिहेव कर रही होती है। वो औरत इन दोनों को एक कैफे शॉप के बाहर छोड़ देती है जहां निक हैली को बाहर एक ट्रक के पास बैठने के लिए कहता है और खुद अंदर शॉप में एंटर कर जाता है ताकि वो किसी को कॉल कर पाए। लेकिन वो पाता है कि यहाँ पर फोन सर्विस बंद पड़ी हुई है। तभी वो देखता है कि टीवी पे उसकी और हैली की न्यूज आ रही है और न्यूज में बताया जा रहा है कि वो दोनों मेडिकल रिसर्च फैसिलिटी से भाग चुके हैं। तभी बाहर जिस ट्रक के पास हैली बैठी होती है वो ट्रक ड्राइवर उस ट्रक को लेके यहाँ से निकलने लगता है और हैली उसी में बैठी होती है। तो निक अपने आर्टिफिशियल लेग से उस ट्रक का पीछा करता है और हम देखते हैं कि निक अपने नए पैरों से काफी तेज दौड़ रहा है। बाद में वो ट्रक ड्राइवर को ट्रक को रोकने के लिए कहता है लेकिन वो ट्रक ड्राइवर उसे चलते ट्रक से बाहर फेंक देता है। लेकिन फिर से निक खड़ा हो जाता है और हैली को बचाने के लिए उस ट्रक का पीछा करता है। निक को भी एहसास हो जाता है कि उसके नए लेग्स काफी ज्यादा पावरफुल है। वो उस ट्रक का फिर से पीछा करने लगता है लेकिन इस बार हैली उस ट्रक ड्राइवर की गन उठाकर उस पे ही पॉइंट कर देती है और अब वो फाइनली ट्रक को रोक लेता है। तो अब निक और हैली उस ट्रक ड्राइवर को बाहर छोड़ खुद उस ट्रक से आगे के लिए निकल पड़ते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ डेमन उस बूढ़ी औरत को पकड़ लेता है और उसे निक और हैली के बारे में पूछताछ करने लगता है। बातचीत के दौरान डेमन को भी लग जाता है कि वो औरत साइको हो चुकी है तो वो उसे गन लेकर मार देता है। वहीं इधर जिस रोड पे निक और हैली जा रहे होते हैं वो रोड आगे खत्म हो जाती है और ये बात निक और हैली दोनों को काफी अजीब लगती है क्योंकि ये मेन रोड होती है। तो इसके बाद ये दूसरी तरफ के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं डेमन उस ट्रक ड्राइवर को भी पकड़ लेता है और उसे निक और हैली के बारे में पूछताछ करता है और पूछताछ के दौरान हमें पता लग जाता है कि वो ड्राइवर भी साइको था। तो डेमन उसे भी मौत के घाट उतार देता है। वहीं इधर रास्ते से चलते वक्त निक और हैली को एक वीरान घर दिखाई पड़ता है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो आज रात यहीं पे रुकेंगे। निक उस घर में पड़े फोन को यूज करता है लेकिन फिर से नो सिग्नल की वजह से वो किसी को कॉल नहीं कर पाता। ये दोनों काफी डिप्रेस्ड होते हैं, साथ ही हैली की तबीयत अब खराब होना शुरू हो जाती है। रात को जब हैली और निक इस घर में होते हैं तो इन्हें यहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है तो ये अंदर की तरफ छिपने के लिए जाते हैं जहाँ पर अचानक से इनकी मुलाकात इनके दोस्त जोना से हो जाती है। जोना काफी घबराया हुआ होता है और वो निक से माफी मांगता है कि वो उन दोनों को छोड़कर आ गया था। जोना उन्हें बताता है कि वो क्वारंटाइन सूट पहनकर वहां से भाग गया था। रात को जब निक हैली को सुलाता है तो वो उसकी पीठ पर एक इम्प्लांट को देखता है। ये बात वो जोना को बताता है तो अब जोना निक को सारा खेल समझाता है। दरअसल जोना निक को बताता है कि मेडिकल रिसर्च फैसिलिटी में उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, जैसे कि निक के पैर काटकर आर्टिफिशियल लेग्स लगा दिए गए हैं, वैसे ही जोना के हार्ट काटकर प्रोस्थेटिक आर्टिफिशियल हैंड लगा दिया है और हैली के साथ भी कुछ हुआ होगा क्योंकि हैली ऐसे ही कोमा में नहीं जा सकती। जोना बताता है कि उसने हर रोड को देख लिया है लेकिन वो रोड किसी भी जगह नहीं निकलती, हर बार रोड आगे जाके खत्म हो जा रही है और ऐसा क्यों हो रहा है ये उसे भी नहीं पता। और जोना निक को बताता है कि जो 23541 नंबर का टैटू उनके हाथ में बनाया गया है वो कोई ऐसा वैसा नंबर नहीं है बल्कि वो इस पूरी जगह का आईडी नंबर है और ये अभी एरिया 51 में है और इस चीज का पता उनके हाथ में बनाए गए टैटू से लगता है क्योंकि 23541 का सम 51 होता है। अब जब सुबह होती है तो जोना अपने दोस्तों को लेकर ट्रक से यहाँ से निकल जाता है लेकिन बैरियर के सामने मिलिट्री इन्हें रोक लेती है। जोना ट्रक को यहाँ से निकाले कि तभी मिलिट्री ब्लॉकेज यानी कि पिलर्स को ट्रक में फंसा देते हैं जिससे अब इनका ट्रक ना आगे जा सकता है और ना ही पीछे। जोना ट्रक से बाहर निकल जोखिम लेता है और सीधे मिलिट्री के सिस्टम रूम में चले जाता है जहाँ पे वो मिलिट्री के सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है लेकिन उसके नए प्रोस्थेटिक हाथों की वजह से वो ठीक तरह से टाइपिंग भी नहीं कर पा रहा है। मिलिट्री लगातार उस पे हमला कर रही होती है कि तभी इस जगह पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और जोना सीधे बाहर आ गिरता है। अपने दोस्त को बचाने के लिए निक ट्रक से बाहर आता है और उसे वापस ट्रक में ले जाना चाहता है लेकिन अब जोना काफी बुरी तरह जख्मी हो गया है तो वो ट्रक में जाने के लिए मना करता है। जोना निक को कहता है कि वो मिलिट्री वालों को देख लेगा लेकिन वो दोनों ट्रक लेकर यहाँ से भाग जाए। यहाँ पे जोना खुद को सैक्रिफाइस करने की सोचता है लेकिन निक जोना को छोड़कर यहाँ से नहीं जाना चाहता क्योंकि जोना न सिर्फ उसका एक दोस्त है बल्कि एक भाई के समान है। निक को वो पल याद आते हैं जब वो दोनों नॉर्मल थे और हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़ा हुआ करते थे। निक अपने दोस्त को गले लगाता है और ना चाहकर भी ट्रक में बैठ जाता है।
तो वही जॉन अपने नए ताकतवर प्रोस्थेटिक हाथों से ट्रक में फंसे पिलर्स को तोड़ने लगता है, जिसके बाद निक ट्रक लेकर यहाँ से निकलने लगता है। वहीं इधर जॉन अपने बेहद ताकतवर प्रोस्थेटिक हाथों से जमीन पर इतनी जोर से मारता है कि यहाँ पर एक शॉक वेव जनरेट हो जाती है और फिर सारा कुछ तहस नहस हो जाता है। और इसी के साथ जॉन अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। अपने दोस्त को खोकर हैली और निक काफी रोते हैं और कुछ ही दूर जाने पे हैली और निक को डायमंड दिखाई पड़ता है जो कि बीच रोड में खड़ा होता है। निक डायमंड को कुचलने की कोशिश करता है लेकिन डायमंड के लोग निक के ट्रक को पंचर कर देते हैं, जिस वजह से वो ट्रक गिर जाता है और निक और हैली बुरी तरह इंजर्ड हो जाते हैं। हैली कुछ ज्यादा ही इंजर्ड हो जाती है और वो निक को शायद से आखिरी बार अपना प्यार जताती है, जिसके बाद हैली को एक हेलीकॉप्टर यहाँ से उठा के ले जाता है। तो वहीं डायमंड निक के पास जाता है और जब निक उसके क्वारंटाइन सूट पे उसके नाम को देखता है तो अब वो सारा खेल समझ जाता है और अब उसे पता लगता है कि जिस नोमैड नाम के हैकर को वो ढूंढ रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि खुद डायमंड था, क्योंकि डायमंड को ही उल्टी तरफ पढ़ने पे नोमैड पढ़ा जाता है। और अब डायमंड उसे सारी कहानी बताता है। दरअसल डायमंड उसे कहता है कि वो अब खुद को देखे, वो पहले से कई ज्यादा ताकतवर हो गया है। उसे जो प्रोस्थेटिक लेग्स लगे वो एलियंस टेक्नोलॉजी के थे और वो एक ह्यूमन और एलियन टेक्नोलॉजी का परफेक्ट कॉम्बो है, क्योंकि उसके प्रोस्थेटिक लेग्स नॉर्मल लेग्स से कई ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन यहाँ पर निक हेली से पिछड़ने के बाद पूरी तरह टूट जाता है। उसने पहले एक भाई जैसे दोस्त और अब अपनी गर्लफ्रेंड को भी खो दिया है। इसके बाद निक गुस्से में अपनी प्रोस्थेटिक लेग्स की सारी पावर को यूज करता है, जिससे यहाँ पे एक बहुत बड़ी शॉक वेव जनरेट होती है और फिर निक साउंड की गति से भी तेज यहाँ से उस दिशा में भागने लगता है जिस दिशा में वो हेलीकॉप्टर हेली को लेके गया था। और इस मूवी का ये सीन आप सबको गूस बम दे देगा। जब आप इस सीन को देखोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ पे निक को रोकने के लिए डायमंड के लोग उस पे फायर करते हैं, लेकिन निक की स्पीड एक बुलेट से भी तेज होती है। निक भागते भागते एक इनविजिबल वॉल से टकराकर उस पार गिर जाता है और जब वो खड़ा होता है तो पाता है कि वो अभी स्पेस में है और इतने टाइम से वो कोई सिमुलेशन में था। ये देख वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं रहता और जब वो पीछे देखता है तो पीछे डायमंड खड़ा होता है जो कि अपना हेलमेट पहली बार उसके सामने निकालता है और हम देखते हैं कि डायमंड कोई इंसान नहीं बल्कि एक एलियन था। और ये देख निक का दिमाग ही काम करना बंद कर देता है, क्योंकि जिस नोमेड नाम का हैकर का वो पीछा कर रहे थे वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक एलियन था। और इसीलिए मेडिकल रिसर्च सेंटर में सबने हेलमेट पहना हुआ था ताकि ये सच्चाई को ना जान सके। दरअसल एलियंस पृथ्वी पे आए और कई लोगों को हैकिंग के जाल में फंसाया और उन्हें अपने स्पेसशिप में ले आए ताकि वो उन पर अपना एक्सपेरिमेंट कर पाए। और जिस स्पेसशिप में ये सारे इंसान एलियन ग्रह पे जा रहे होते हैं उस स्पेसशिप का नाम 23541 होता है, जिसका कि निक और इस स्पेसशिप में मौजूद हर एक इंसान के हाथ में टैटू बना हुआ है। निक को जब रियलाइज होता है कि वो धरती में नहीं बल्कि एलियंस के स्पेसशिप में है तो वो डायमंड को एक वर्ड तक भी नहीं कह पाता है और सदमे में चले जाता है। अगले सीन में हमें स्पेस में उस एलियन स्पेसशिप को दिखाया जाता है, जिसकी अपोजिट साइड में हमें एलियंस की कॉलोनी दिखाई जाती है। और इसी सीन के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों आज की कहानी में हमने देखा कि किस तरह एडवांस एलियन पृथ्वी पे आते हैं और हम इंसानों को अपने हैकिंग के जाल में फंसाकर अपने स्पेसशिप में ले जाते हैं ताकि वो हम इंसानों पे अपना एक्सपेरिमेंट टेस्ट कर पाए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको हमारे ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कर सकते हो।